आज हम यहाँ पर जो है एक सर्किट बनाने वाले हैं जिसमें हम विजिटर काउंटर का प्रोजेक्ट को देखेंगे। मतलब विजिटर काउंटर का जो प्रोजेक्ट होता है तो उसकी वर्किंग क्या होती है और उसका सर्किट हम फ्रिजिंग पर कैसे बना सकते हैं, क्या कंपोनेंट यूज हुए हैं और कंपोनेंट की छोटी मोटी वर्किंग। तो अभी मैं क्या कर रहा था कि मैंने ये प्रोजेक्ट पहले ही बना लिया था विजिटर काउंटर वाला। मुझे तो उसका सर्किट बनाना था क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि आप जब बनाते हो तो आपको पता नहीं होता है कि आप कौन से सेंसर्स यूज करने वाले हो। नॉर्मली तो आयर सेंसर का सब यूज करते हैं, लेकिन जो है मुझे उसे एलडीआर से बनाना था तो इसलिए मैंने सर्किट पहले नहीं बनाया। सर्किट मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद बनाया। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए आप यहाँ पर, ये तो जो है उसका कोड है। अगर आप इसे देखेंगे यहाँ पर तो ये कोड है पूरा उसका। कोड विजिटर काउंटर का आइनो सिंपल होता है ना, लेकिन ये कोड सिंपल नहीं भी है, आप ऐसा कह सकते हो। इसका वीडियो भी जो है आप इंटरनेट पर देख सकते हो। कुछ पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे विजिटर काउंटर के उस पर आपको मिल जाएगा। और ये उसका पूरा कोड है। तो इस कोड में खास बात क्या है कि आप जो है ना क्या कर सकते हो, देखिए आप जो है वो टोटल नंबर ऑफ इन आउट रिमेनिंग कितने बचे हैं ये सब चीजें देख सकते हो। अब आपको देखिए मैं क्या बताता हूँ यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लेट्स हम इसका सबसे पहले फोटो चेक करते हैं। ये तो कुछ इसका ब्लॉक, इसका जो है वो एक तरह से फ्लो चार्ट हो गया। तो फ्लो चार्ट वैसे जो है ये मैंने जो बनाया था वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये इंटरनेट से लिया था। इस फ्लो चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आईआर सिग्नल ट्रांसमिशन यदि स्टार्ट हुआ है ना, इंटरप्ट फॉर इंटर सिग्नल, इंटरप्ट फॉर एग्जिट सेंसर, मतलब दो सेंसर्स लगे होंगे तो अगर यहाँ पे आया तो क्या होगा, यहाँ पे आया तो क्या होगा, ऐसा करके कुछ। तो अगर यहाँ आया तो इन्होंने ऐसा बता दिया कि टर्न ऑन रिले होगा, इंक्रीमेंट होगा है ना, और लाइट ऑन होगी। ठीक है, ये एक थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। और अगर मान लीजिए एग्जिट होगा तो फिर डिक्रीमेंट होगा है ना, और जो है जीरो पर चले जाएगा तो रिले ऑफ होगा। तो ठीक है, फिर भी आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। पर जब हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ रियली थोड़ा सा अलग अप्रोच होती है। और ये फिर भी सही है, मतलब आप थोड़ा सा इससे अंदाजा लगा सकते हो। और जब भी आपको प्रोजेक्ट का अगर फ्लो चार्ट बनाना है तो जो जो प्रोसेस हो रही है उसके बारे में ऐसे ही इफ एल्स के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि अगर इंटर पे सिग्नल रीड तो ऐसा आप रिले ऑन कर सकते हो, लाइक दैट ऐसा आप कर सकते हो। तो यहाँ पर तो ये फोटो है, मैं इसका एक फोटो और आपको आपके साथ में दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये वो एक्चुअल इसका डायग्राम है जहाँ पर जो है पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। तो इसमें हमने ऑर्डिनो नैनो का यूज किया था, एक एलसीडी का यूज किया था, रिले का यूज किया था। और यहाँ पर तो इस रिले से तो सिर्फ जो है कि एलईडी को ही ऑन ऑफ किया था। हालांकि मैंने इस सर्किट को ऐसा बनाया है कि इससे जो है वो एलईडी भी ऑन ऑफ हो सकती है। और अगर इस जम्पर को हटाते हैं और इस एलईडी को हटाते हैं और सिर्फ इन दोनों पिन्स का ही यूज करते हैं, सिर्फ इन दोनों पिन्स का ही यूज करते हैं तो आप जो है वो यहाँ पर सीरियल के अंदर रिले भी, सॉरी बल्ब भी लगा सकते हो। तो थोड़ा सा क्वाइट इजी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, समझने में बोल कर समझने में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सर्किट बनाओगे तो आ जाएगा आप आसानी से। तो ये आपका ऑर्डिनो नैनो है। और यहाँ पर हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया था, BC547 ट्रांजिस्टर का यूज किया था। उसको यूज करके जो है हम इस रिले को ऑन ऑफ कर रहे हैं। एक बजर हमने लिया था, बजर का यूज आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। पर मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसे किया था कि जब भी कोई सेंसर से पास होता है, मतलब अगर स्टार्ट करता है सेंसर से जाना, मतलब हम मान सकते हैं कि ये इसका एंट्री मोड है, यहाँ से जाना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा तो काउंटिंग बढ़ेगी, ठीक है। और अगर ये यहाँ से आएगा तब भी काउंटिंग बढ़ेगी, मैंने कोड में ऐसा लिखा है, घटेगी नहीं है ना, क्योंकि उसको अलग तरह से यूज किया हुआ है। और मतलब जब भी यहाँ से पास हो रहा है तो बजर ऑन हो जाए, और यहाँ से पास हो रहा है तब भी बजर ऑन हो जाए। पर मतलब यहाँ से पास हुआ
तो जस्ट बजर ऑन होकर ऑफ हो जाए और यहाँ से जाने के बाद कुछ नहीं हो, सिर्फ काउंटिंग बढ़ जाए, और जब वो एग्जिट करेगा तब यहाँ से जैसे ही गुजरे तब बजर ऑन हो जाए, यहाँ से जाने के बाद नहीं होना चाहिए ऐसा। जैसे नॉर्मली कैसा भी कर सकते थे, ये दो LDRs यहाँ पे यूज कर रखे हैं और हमने यहाँ पर इन्हें वोल्टेज डिवाइडर के फॉर्म में कनेक्ट कर रखा है। तो वोल्टेज डिवाइडर जो सर्किट्स होते हैं उसमें कैसा होता है कि दो हम रेजिस्टर्स लेते हैं, और जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टर आपका ये हो गया, विच इज LDR, एक रेजिस्टर ही होता है, बस उसका रेजिस्टेंस लाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और दूसरा रेजिस्टर ये हो गया। और इसके यहाँ से मिडिल से हमने यहाँ पर जो है वो जो भी सिग्नल आ रहा है उसको हमने ऑर्डिनो पे दे दिया है, और ऑर्डिनो की हमने डिजिटल पिन पे ही दिया है, क्योंकि हमने इसको ऐसे सेट किया है कि जब भी लाइट यहाँ से पास हो या डार्कनेस रहे तो लगभग लगभग 0 और 5 वोल्ट, या आप कह सकते हो कि less than 1 एंड अराउंड more than 2 वोल्टेज आए तो उसको हम 1-0 मान सके। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि जब इसे मैंने ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट किया था कि एक LDR लिया, एक रेजिस्टर लिया 10K का, और उसके ऊपर लाइट डाल के देखी तो वोल्टेज मान लीजिए आप मान लीजिए कि आ रहा है, लाइट डाल के देखी तो आप मान लीजिए 0 आ रहा है, और जब लाइट मतलब लाइट डाल के देखी तो 1 आ रहा है, और जब डार्कनेस है तो 0 आ रहा है। ऐसा ऐसा ही हो रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद है कि जब उस पर लाइट डाली तो जो है वो 1 आ रहा था, और जैसे ही डार्कनेस आया तो 0 आ रहा था। और 0 वाली कंडीशन मुझे हमेशा प्रोग्रामिंग में ठीक भी लगती है कि रीड कर लो 0 आया तो ऐसा, जबकि थोड़ा सा उल्टा होता है कि हमको हमेशा जब भी कोई नया स्टूडेंट होता है या नया पहली पहली बार सेंसर के बारे में सुन रहा होता है तो उसको हमेशा ऐसे ही लगता है कि अगर सेंसर पे कुछ आया, सेंसर से कुछ हुआ तो 1 आएगा, नहीं हुआ तो 0 आएगा, ऐसा जनरली वैसे सही होता है। तो इस सिचुएशन को आप कोडिंग के थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हो, मतलब आप कोडिंग में अगर आप अच्छे से फंक्शन बनाना चाहते हो या टाइप डेफ का यूज करना चाहते हो तो वहाँ प्रोग्रामिंग में आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि भले वहाँ 1 आए चाहे 0 आए, लेकिन मेन कोडिंग में आप ऐसा लिख सकते हो कि समवन कम्स या सेंसर के पास से कुछ आ रहा है तो जो है आप उसको कैसे भी बता सकते हो, आप चाहे तो उसे बता सकते हो ट्रू, या आप बता सकते हो पास, है ना, पास नो पास ऐसे नाम भी दे सकते हो, उसके पीछे ऑब्वियसली इंटीजर ही होंगे। तो यहाँ सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि नॉर्मली जब टेस्ट किया था तब तो ये जो है वो सही चल रहा था, ब्रेडबोर्ड पर जब इसे टेस्ट किया था मैंने, शायद इसकी एक इमेज और नहीं है यहाँ पर ये, तो नॉर्मली जब मैं उसे जो है चला रहा था तो सही हो रहा था कि सही परफेक्ट वोल्टेज आ रहे थे, हालांकि मैंने माइक्रो कंट्रोलर के साथ में टेस्ट नहीं किया था, पर फिर भी इनफ वोल्टेजेस आ रहे थे ताकि मुझे उसे 1 और 0 में डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। पर तब मैंने मोबाइल के टॉर्च के साथ में यूज़ किया था, LED के साथ में नहीं किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 LEDs लगी हुई है और इनके साथ में मुझे टेस्ट करना था एक्चुअल। तो मैंने जो है कोडिंग तो मेरे पास में बहुत पहले से ही लिखी हुई थी, मतलब ये वाला कोड तो हमने सालों पहले लिख दिया होगा, तो कोड के लिए आई वॉज प्रिटी श्योर कि चल जाएगा, मुझे बस हार्डवेयर को थोड़ा सा मैनेज करना है, जो जो आउटपुट मुझे चाहिए वो मिल जाना चाहिए। तो मैंने सारे कनेक्शंस करे थे पर आउटपुट चेक नहीं किया यहाँ पर कि आउटपुट क्या आ रहा है, तो समहाउ आउटपुट आ भी गया लेकिन फिर भी एक सेंसर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, ये वाले सेंसर के अंदर दिक्कत आ रही, मतलब लाइट इसमें बहुत पास करने पर जो है वो इसकी वैल्यू चेंज हो रही थी। मान लीजिए कि अभी जो इतना गैप है तो इस सेंसर को मुझे यहाँ करना होगा, यहाँ पर कहीं पर, तो यहाँ करूंगा तब जाकर जो है अगर उसके पास में मैं डार्कनेस लेके आया या मतलब कोई ऑब्जेक्ट लेके आया या हाथ रखा तो वहां पर जो है वो 0 आएगा, एल्स 1 आएगा। तो इतनी पास से करने में क्या हो रहा था कि थोड़ा सा ये जो है वो सही नहीं हो रहा था। सही नहीं होने का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए इस प्रोजेक्ट को चलाकर भी बताना है तो हम कैसे बताएंगे इतने पास से, बहुत क्लोज था वो, एटलीस्ट इतनी डिस्टेंस तो हो ताकि हम प्रोजेक्ट को चला के बता सके। तो ये मेरे लिए डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि मैं इसे इतने पास रख के चलाऊं, और दो दो एक एक और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये इतनी पास और ये दूर से भी काम कर रहा था, तो भी मतलब जो है वो डाइजेस्टेबल नहीं था कि या तो दूर होना चाहिए। तो फिर मैंने कोशिश करा कि इसमें रबर बैंड्स लगा दूं, यहाँ लगा दूं ताकि इसी पे लाइट जाए, यहाँ भी लगा दूं ताकि एक एक जो है वो नैरो
जो है बीम जिस पर गिरे। हाँ ये मैं मानता हूँ कि अगर ये बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की होती, इसकी जगह अगर लेजर होते तो ये आसानी से काम कर सकता था, कि उसमें लाइट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जब पास में जा रहा है तब तो चल रहा है, तो वैल्यूज जो है वो प्रॉपर आ नहीं रही थी, पास में आने भी आ रही थी, और मुझे था कि मुझे एटलीस्ट इतना तो करना ही है। तो मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशन मतलब वही जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के अंदर होती है कि आपको अगर वी आउट चेक करना है, वी आउट चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे, और हमको पता है कि वी आउट हम कैसे चेक करते हैं, कि हमको लिखना होता है वी आउट इक्वल टू वी इन मल्टीप्लाई बाय आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि हमें वी आउट क्या निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। आई ट्राइड विद दैट, मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी, क्योंकि मैंने ये 10 के 10 के दो रेजिस्टेंस पहले ही लगा रखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब एक पेयर के लिए ये वोल्टेज डिवाइडर था और एक के लिए ये वाला वोल्टेज डिवाइडर था। तो फिर मैंने पहले तो मैंने ऐसे कैलकुलेशन भी करने की कोशिश नहीं की, मैं ट्राई कर रहा था कि एक रजिस्टर जो है वो डायरेक्टली इसके ऊपर लगा देता हूँ, टच करके देखता हूँ कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में और आप यहाँ पे टच कर रहे हो, एक रेजिस्टेंस ऊपर से लगा रहे हो। तो मैंने वैसा करा, उससे ये हो रहा था कि थोड़ा सा और जो है वो वोल्टेज कम हो गया था, मतलब जो वोल्टेज मुझे यहाँ पर हाई जो वोल्टेज है वो मुझे प्रॉपर मिल नहीं रहा था, मतलब जब इतनी दूर लाइट थी ना तो हाई वोल्टेज प्रॉपर मिल नहीं रहा था, तो और कम हो गया था। तो आई फाउंड कि रेजिस्टेंस को जब मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो जो है इसका रेजिस्टेंस वो ड्रॉप हो गया है, रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गया है, तो भी यहाँ पर वोल्टेज में कमी आ रही थी, मतलब यहाँ जो मैं देख रहा था मुझे अराउंड 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट समथिंग कुछ चाहिए था, ताकि मैं हाई को एक प्रॉपर मान सकूँ। वो तो वो ऑब्वियसली हो ही जाता, क्योंकि तो अगर आप उस पर डैमेज करते या ऑब्जेक्ट उसमें कुछ रख देते तो। लेकिन जो है फिर मैंने कैलकुलेशन करी पेपर पर, थोड़ा सा देखा ये वो पुराने फॉर्मूले को एस्टिमेट किया, लेकिन देन फिर जो है मैंने सोचा कि क्या करते हैं अभी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन काम में आनी आती नहीं है, बहुत बार हम जब ऐसा करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन और हमारा प्रोजेक्ट में बहुत अंतर होता है। आप R2 के लिए निकाल रहे हो, R1 के लिए निकाल रहे हो, कितना इनपुट दे रहे हो, एक्स वाई जेड, ये मैंने सोचा कि लेट्स थिंक क्या करते हैं अपन, इस रजिस्टर को मैंने यहाँ से काटा, मैंने इसे यहाँ से काटा, अभी पास का पॉइंट बचा हुआ था तो मैंने इसे वहाँ से काट दिया और एक रेजिस्टेंस जो है वो और जोड़ दिया, मैंने सेम वैल्यू का मतलब 10K का वैल्यू और जोड़ दिया। तो अभी जो ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बना है, मैं आपको इसको पेंट कर एक बार करके बताता हूँ। हमें पता है वैसे तो कि आपका पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट जो है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि कितनी ठीक है इतनी बड़ी इनफ है। हमारा पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कैसा होता है, मान लीजिए आप ये आपका जो है वो LDR है, ठीक है ये आपका LDR है, यहाँ पर जो है ये आपका एक रेजिस्टेंस है, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा था और यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट कर रखा था, ठीक है। इसमें बहुत सारे चेंजेस हम जो कर सकते हैं, ये आप मान सकते हो R1, इसे आप मान सकते हो R2। तो यहाँ पर मैंने जो है पहले से ही 10K का रेजिस्टेंस लगा दिया था, और ये वाला जो है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये डिपेंड करता है ना, मतलब नॉर्मली डार्कनेस में कितनी आ रही है, और अगर इसको लाइट कर रही है तो कितनी इसका रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो वी आउट मिलेगा, वी आउट मतलब आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो मैं फिर इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला अपन क्या करते हैं कि वी इन लिखते हैं है ना, और R2 ठीक है, या R1 आप जो भी करना चाहो, ठीक है ऐसा आप कर सकते हो, और यहाँ पे R2 लिखते थे, तो ऐसा मैंने फॉर्मूला लगाकर उसको कैलकुलेट करने की कोशिश। तो जो है जैसे अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 वोल्ट दिया है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 वोल्ट दिया है, अब आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है कि वी आउट पे कितना आएगा। मान लीजिए तो मैं देख लीजिए यहाँ 5 लिखा है ना, R2 जो है आपका 10 है तो ये 50 हो जाएगा, और R1 प्लस R2, और अगर ये मैं मानता हूँ कि अगर ये भी 10 है, हाइपोथेटिकली मैं मान रहा हूँ कि अगर ये भी 10 है तो कितना हो जाएगा 20 R1 और R2, क्योंकि 10K प्लस 10K। तो देखिए आप 0 से 0 गए तो यहाँ पे कितना चला, 5 मतलब 2.5, 2.5 वोल्ट आपको मिलेगा जब ये इक्वली इक्वल रजिस्टर्स हैं तब। तो वो है 10K लगाने के बाद 2.5 वहाँ पे मिल ही रहता है, क्योंकि 2.5 मुझे मिल जाता थोड़ी डिस्टेंस वाली लाइट से, मुझे एक 1 अचीव हो जाता, मतलब हाई अचीव हो जाता, लेकिन वो हाई अचीव बार बार वहाँ जी।
तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर, अब ये वीडियो शायद उन्हीं लोगों के लिए काम का रहेगा जिन्हें थोड़ा बहुत पहले से ही पता है, और जिन्हें नहीं पता है अगर वो सुनेंगे तो जरूर डेफिनेटली वो जब भी बात में रिलेट करेंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर ये जो है वो, फिर मैंने यहाँ पर जो है थंब रूल लगाने की कोशिश करी, रेजिस्टेंस को यहाँ से काटा, एक रेजिस्टेंस ऐड किया और इसको बंद कर दिया, रेजिस्टेंस भी जो है वो 10K का। ठीक है, जब ऐसा करा तो यहाँ पर मुझे परफेक्टली अच्छा वोल्टेज मिला, ठीक है, और मतलब हाई लो में मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा था। ये थोड़ा सा इस मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए लर्निंग वाला पार्ट था, जो कि बहुत बार होता है क्योंकि सेंसर से ही अगर वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, 1-0 नहीं मिल रहा है, ये जो भी आपको डिजायर आउटपुट चाहिए नहीं मिल रहा है, तो फिर आप आगे का टास्क आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपको सेंसर चेंज करने होंगे, ये वो ऐसा वैसा दूसरा सेंसर लगाओ। बट हम जिस सेंसर में काम करना चाहते हैं अगर उसमें नहीं हो रहा तो इट्स डिफिकल्ट थिंग, और प्रोजेक्ट्स में हम जनरली ऐसा कर नहीं पाते हैं बहुत बार। तो ये और इस वाले में वैसे काम हो रहा था सब कुछ, मतलब इसमें सिर्फ सिंगल रेजिस्टेंस ही काम हो रहा था, और ऐसा होता है कि थोड़ा सा वोल्टेज भी यहाँ ड्रॉप हो गया था, मतलब यहाँ पर जो है वो 5 वोल्ट दे रखा था, तो याद नहीं है कि 5 वोल्ट तो देने के बाद में यहाँ 5 तो आ रही था, पर यहाँ थोड़े से मतलब वोल्टेजेस में थोड़े से चेंजेस आ रहे थे। तो दिस वाज द लर्निंग। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये सारे कनेक्शंस हमको जो है वहाँ पे करने हैं, तो लेट्स री स्टार्ट दैट। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने अभी हाल फिलहाल सिर्फ आर्डिनो नैनो कनेक्ट किया है, एलसीडी कनेक्ट की है, और इतना बनाते बनाते मुझे आइडिया आया है कि ठीक है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। आई नो कि ये परफेक्ट लर्निंग नहीं दे रहा है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप जो है सिर्फ कोई वीडियो के स्टेप्स देख लेते हो वन बाय वन, तो आप चला के कोई चीज जरूर देख लेते हो, पर उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो हमें कहीं ना कहीं नहीं पता होता, वो तभी आता है जब हम आप खुद ही बनाते हो। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ स्टेप्स ना बताते हुए मैं इसकी जो है वो पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको, क्योंकि ये वाला वीडियोस आपको ढेरों मिल जाएंगे नेट पर, विजिटर काउंटर्स कैसे बनता है, और सेम वीडियो बनाना बना के कोई फायदा नहीं है। तो मैंने अभी जो है एलसीडी के कनेक्शंस किए, मैंने यहाँ पर अभी कलर्स चेंजेस नहीं किए, कलर्स मैं अभी चेंज फिर से करूँगा। तो अभी मैं आपको बताते चलता हूँ ना, ये 15 और 16 पिन है आप देख सकते हो, विच इज एनोड। एनोड पे हमें हमेशा रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर और क्योंकि सर्किट है वैसे तो मैं चाहता था उसको ऐसे ही बनाते थे, लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ पर जो है ठीक है यहाँ एक रजिस्टर लगा देते हैं, यहाँ पे ये जो है रजिस्टर, रजिस्टर को हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा, और मैंने यहाँ पर जो है कनेक्ट कर दिया है। तो एनोड है तो इसको हमने यहाँ पर, आप इसकी वैल्यू आप मान के चलिए कि आपको इसकी वैल्यू लगभग जो है वो 220 ओम रखना चाहिए, और यहाँ पे 220 ओम ही है, 1K भी रख सकते हो। मैंने प्रोजेक्ट में यहाँ पर जो है वो 1K यूज किया था, तो आप ये 1K नहीं है ना, ये भी 1K है लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो नीचे लगा हुआ है, नीचे इसके अंदर लगा हुआ है जहां तक इसकी बैक साइड की इमेज मैंने नहीं ली थी, और ये प्रोजेक्ट वो पैक करके सेंड कर दिया गया है। तो अभी हम यहाँ पे कर देते हैं, रेड टर्मिनल्स होता है जो रेड वाला, तो उसको मैं हमेशा ग्राउंड में यूज करता हूँ, सॉरी 5 में यूज कर सकता हूँ, ब्लू को मैं हमेशा ग्राउंड में करता हूँ, मैंने ऐसे ही किया। अभी हम इसकी वायर की कलर चेंज कर देंगे, प्रोजेक्ट एक बार सर्किट पूरा बन जाए तब। यहाँ तक जो है हमने अभी एलसीडी के कनेक्शन किए हैं, पिन नंबर 3 पर लोग पोटेंशियोमीटर लगाते हैं, और आप यहाँ पे ग्राउंड दोगे तो भी चलेगा, या फिर आप 3 पर आप जो है वो वायर को डिलीट कर दीजिए और एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 3 पर। तो बहुत बार आप फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हो तब भी चल जाएगा, प्रोजेक्ट में मैंने फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस ही लगाया था, जो है आई वॉज ट्राइंग टू कि ये प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्मली कम कॉस्ट बन जाए। पोटेंशियोमीटर लगाने में दो चीज़ें प्रॉब्लम होती है, तो उसको यहाँ लगाना है, लगाना है तो फिर पीछे लगाइए, और मैं जनरली यहीं लगा देता हूँ उसको, वो ये करो वो करो, तो यहाँ एक 1K का रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, पोटेंशियोमीटर भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ तक अभी हमने कनेक्शंस किए,
इसमें हमको एक बजर रिले ये सब कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ से जो है सपोज एक ले लेते हैं। पहले जो है मैंने प्रोजेक्ट जब स्टार्टिंग में बनाया था, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर रिले कनेक्ट किया था, तो मैं आपको यहाँ से जो है एक रिपोर्ट करता हूँ उसकी। इस रिपोर्ट के अंदर मैंने जो है उसके कनेक्शंस कर रखे हैं, तो ये देखिए और दो फोटोज ही मैंने लिए। तो रिले जो है मैंने 10 पे कनेक्ट किया, एक जो है बजर मैंने 2 पे कनेक्ट किया। तो अपन चलो उसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ चलते हैं और बजर टाइप कर देते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे बजर एंटर, और यहाँ पे कई टाइप के बजर है, तो हम ये वाला बजर, और इस बजर को आप चाहे तो कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। और बजर को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, बजर को हम यहाँ भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। हम बाहर कर देते हैं, इसका एक एंड जो है वो मैं यहाँ पर ये इसका एक एंड जो है वो हम कर देते हैं 5 के साथ। तो एक एंड कर देते हैं हम 5 के साथ, साथ में कर देते हैं। एंड जो है वो जो ग्राउंड के साथ में करना है, पर ग्राउंड से करेंगे तो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। जो है पिन नंबर 2 के साथ में करना है, तो आप देखिए यहाँ पर पिन नंबर 2। इसमें एक दिक्कत ये है कि पता नहीं मुझे ये आता है या नहीं आता है, तो इसको ऐसे मोड़ के नहीं ले जा सकते, ऐसे मैं इसे एक बार पर डुप्लीकेट करता हूँ। और जनरली मैंने इसका जो रूल फॉलो किया है वो ऐसा कि मैं इसे यहाँ से पहले ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, और उसके बाद मैं फिर इसको बैंड करते हुए वहां ले जाता हूँ। बट कि थिंकरकैड में कैसा होता है, ऐसा देखो फोड़ने पे बस वो वायर ही आ जाएगा, ही ऐसा नहीं होता कि ये मुड़ जाए। तो मैंने एक सिंगल क्लिक किया, और माई माइंड भी इसका कोई ऑप्शन होगा, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको आपकी क्वेश्चन समझ में आएगा, मतलब ऐसा कि आप यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और वहाँ पहुँच गए, ऐसा है ना। तो अभी हम वैसा तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कि हमने 2 पे कनेक्ट किया, तो मैं 2 नंबर से एक वायर लेता हूँ और डायरेक्टली वहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, जैसा कि आपने वहाँ पर कनेक्शन देखा है ये। और अभी हम इसको जो है ट्राई करना है कि कैसे भी करके हम जो है वो कनेक्शन वहाँ तक पहुँचा दें, और साथ साथ में जो है वो थोड़े से प्रॉपर भी हो। और मैंने यहाँ किया है, अभी मैं इसको और यहाँ से इसको थोड़ा सा बैंड कर, कंट्रोल जेड। आप जब भी ऐसा मूव हो तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हो, यहाँ पे कर देते हैं। यही चीज हम इसके कनेक्शन थिंकरकैड में भी बना सकते थे, पर ये बनाना जो है वो और आसान हो सकता था, पर वहाँ पर ऑर्डिनो नैनो नहीं है, वहाँ पर ऑर्डिनो ऐसी कुछ लिमिटेशंस होती है हमेशा। जब आपको कुछ काम करना होता है तो तब आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज करना आना चाहिए, मतलब अगर आप थिंकरकैड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑर्डिनो नैनो नहीं मिलेगा, उन्होंने तो ज्यादा अपडेट्स नहीं किए हैं वहाँ पर। हमने बजट ले लिया है, अब हम यहाँ से ले लेते हैं बजर के बाद में हम यहाँ से ले लेते हैं रिले। देखिए मैंने रिले के जो है वो अलग अलग मॉड्यूल्स यहाँ पे जो है इंटरनेट से इसमें इंपोर्ट कर रखे थे पहले भी ना, तो यहाँ पे ये 2 का है एक रिले, मतलब मुझे चाहिए था सिर्फ 1 का, पर यहाँ 2 का है। तो अगर मैं एक बार ये देखिए ये वाला रिले हम यहाँ से ले लें, और इन्होंने ओमरॉन का रिले भी ले रखा है, 12 लिखा हुआ है, मेड इन चाइना लिखा, दोनों की ये जो सर्किट है वो किसने बनाई, मैंने इसे स्क्रू किया ठीक है यहाँ पे जो। अच्छा वो ये यहाँ पे आने पर उसकी वो चेंज हो जाती है, आपको और भी यहाँ पे ऑप्शन
जब मैंने इसे यहाँ क्लिक किया था शायद, अच्छा वो यहाँ के स्क्रॉल पर, वैसे टी शर्ट भी रिले आता है जो एडिट करता है, और मैं ये वाला रिले कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आके जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, अभी ये वेरिएंट, देखिए ऐसे वेरिएंट से चेंज होता रहता है। आपको तो पिक कौन सा चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते, ये भी गुड ऑप्शन है। तो यहाँ पर इन्होंने जो दे रखा है वो 24 वोल्ट DC है, और अब हम यहाँ पे देखते हैं 5 वोल्ट, ठीक है 5 वोल्ट ही ले लेते हैं, पर यहाँ 12 वोल्ट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं कहीं पर, अगर हम वोल्टेज की वैल्यू चेंज करते हैं तो ये यहाँ पर चलेगा, ठीक है। अब हम जो है वो यहाँ से इसे जो है वहाँ पर पुट कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेडबोर्ड यही है तो हम यही कर लेते हैं, ये थोड़ा सा दूर हो जाता तो हमें यहाँ पर भी वायर्स को रखने, अभी भी ऐसे ब्रेडबोर्ड अगर आपका मूव हो जाता है तो आप उसको कंट्रोल जेड कर दीजिए, मैं इसे थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, हम इतना बाहर कर लेते हैं ताकि ये जो रिले है इससे भी हम ब्रेडबोर्ड पे यहीं पे रखें। बहुत दिनों से आई एम प्लानिंग कि मतलब मैं कुछ सोचता था कि कुछ मैं फ्री क्लासेस स्टार्ट करूं, जहां पर वीडियोस में होता क्या है कि जब आप वीडियो बनाते हो तो आप इतने सिंसियर नहीं होते हो, आपने इच्छा हुई तब आपने बना दिया, आपको जब लगा कि ये सही है तो ये बना दीजिए, जैसे मुझे अभी ये लगा तो मैंने कोई प्लान नहीं किया था इस चीज को, लेकिन मैं इसे बना रहा हूँ। तो वीडियोस में जनरली क्या होता है कि ऐसे ही हो जाता है, मतलब कभी भी आप कुछ भी बना देते हो। मैं बहुत दिनों से ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं कुछ फ्री क्लासेस ले सकूँ, लाइव ले सकूँ सभी के लिए लाइव, मतलब इन द सेंस कि कुछ लोगों के लिए लाइव जो सीखना चाहते हैं। अब मुझे उसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ पर कि कैसे जो है मैं उन लोगों तक पहुंचू जिन्हें फ्री में सीखना है, और फ्री में सीखने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हर कोई नहीं सीख सकता है, जिसको भी जो कोई भी टैलेंटेड हो, नीडी हो, जिसे लगता है कि नहीं मुझे जो है ये करना है, तो यहाँ पे कोई भी अमीर गरीबी की कोई बात नहीं है, मतलब या इन द सेंस की पैसे की बात नहीं है, जो कोई भी पैशनेट है और करना चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए क्लासेस अरेंज की जाए, मैं वीडियो भी ये बनाता भी चाहता हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके लिए मैं कैसे जो है लोगों को अप्रोच करूँ, और जो है मैं यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ऐसा कनेक्ट करते हैं मेन, यहाँ पे नो है ना, मतलब नॉर्मली होता है, ये नॉर्मली क्लोज हो गया। अच्छा ये क्वाइल का वायर है, ठीक है तो ये क्वाइल का वायर है, ये कौन सा, ओके ये क्वाइल का जो वायर है, ये क्वाइल जो है वन क्वाइल जो है, अच्छा ये NC, ठीक है ये वाला जो है ये N, अच्छा ये नो NC, ठीक है ये NC है, तो फिर ये क्वाइल वन होना चाहिए और ये मेन होना चाहिए। अब हमको यहाँ पे देखना है कि क्वाइल का एक और वायर कहाँ गया है, चार वायर तो आपको दिख रहे हैं, ये टू है, ठीक है ये, हाँ यहाँ पर हमने सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया है कि क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि यहाँ कनेक्शन हो जाए, यहाँ पर ये क्वाइल वन अलग, क्वाइल टू, क्वाइल वन, कोई सा भी यूज कर सकते हैं जहाँ हमें जैसा लगता है, और ये तीन हमारे मेन कनेक्शन है जहाँ हम LED कनेक्ट कर सकते हैं, इसे हमको ट्रांजिस्टर के साथ में ड्राइव करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ ट्रांजिस्टर, और मैं अभी ये N लिख देता हूँ, ठीक है चलेगा, देखो मैं अगर इसे ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ, और स्पेस चाहिए होगी तो मैं इसे थोड़ा कर देता हूँ,
अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो मैं यहाँ पर इसे जो है आगे बढ़ा देता हूँ, और आगे बढ़ाने के बाद में आई ऑलवेज कंसीडर लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब सिर्फ BC547 के केस में जो कि होता भी है, मैं कलेक्टर मानता हूँ। मैं इसको यहाँ पे जो है राइट, मैं यहाँ पे इस टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बेस पर हम एक रेजिस्टेंस दे देंगे। तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से यहाँ ओके प्रेस, यहाँ पे ये देखिए बेस पर जो और इसके इमीटर पे मैंने यहाँ पर क्या करा है, ग्राउंड दे रखा था। नहीं, वहां से एक ये रियलिटी होती है जब आप सर्किट बनाते हो, यहाँ पे वायर लिया और ये ग्राउंड है, तो मैं यहाँ ग्राउंड पे कनेक्ट कर देता हूँ, मैं इसे यहाँ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही लगे। इसे ऐसा कर लेते हैं हम यहाँ पे, और इसे थोड़ा सा ऐसा करके यहाँ लेके आ जाते हैं, यहाँ पे कर सकता हूँ ताकि ये जो सही हो पाए, ये जो है ये ग्राउंड। तो हम रिले पर सिर्फ ग्राउंड पास कर रहे हैं, और ये वाला कनेक्शन हमको कहाँ पे करना है, ये वाला कनेक्शन हमको पिन नंबर 10 पे करना होगा। लेकिन मैं इसे यहाँ से ले डायरेक्टली ऑर्डिनो में, यहाँ पर हम इसे जूम भी करते हैं साथ में, और देखिए 10 नंबर पिन आपको ये रहे 10, यहाँ पे इसे कनेक्ट कर, इसे हम जो है थोड़ा सा ट्राई कर देते हैं। नहीं सोचो ऐसे कर, तो ये जो है हमारा रिले का सिर्फ इतना सा कनेक्शन हुआ है कि अगर हम इसके बेस पर जो है वो अगर हाई सिग्नल देंगे तो ये जो ग्राउंड है वो इस पॉइंट पे पास हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो पा रहा है तो हमें हमें क्या करना होगा, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से सही कर कि ये इसके पास में नीचे एक और टर्मिनल, थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट रखते हैं कि जो है वहां पर कोई सिग्नल ऐसे दिखे नहीं, यहाँ पर जो है इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं देखिए इसे रेड कर देता हूँ तो आपको बहुत आसानी से, मैं इसे अभी ऐसे कर, वो क्वाइल रिले की क्वाइल के एक टर्मिनल पर, कॉइल वन पे हमने हाई सिग्नल दे दिया, दूसरे पर लो सिग्नल देना है, पर वो हम ट्रांजिस्टर की हेल्प से देंगे। ये मीटर है, ये बेस है, तो बेस पे जो हाई सिग्नल आएगा वो वहाँ जाएगा। यहाँ पर मैंने 1K का रेजिस्टर यूज़ किया था, तो कैन आई चेंज वैल्यू, तो यहाँ पर देखता हूँ 1 पर ही संभव होगा, 1 किलो ओम यहाँ हो चुका है। आई डोंट नो, मैंने यहाँ नोटिस नहीं किया कि यहाँ वैल्यू चेंज हुई है। हाँ, यहाँ वैल्यू चेंजेस, देखिए आप मैंने यहाँ वैल्यू चेंज की तो यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर भी 1K कर सकते हो। यहाँ तो 221 ही रहने दीजिए, यहाँ 1K कर दीजिए। पिन नंबर थ्री पर मैंने 1K का रेजिस्टेंस या 2K का रेजिस्टेंस यूज किया है, 2K या 3K का, क्योंकि वो 1K से बहुत बार इतनी साफ इंटेंसिटी आती नहीं है यहाँ पर। ये रिले का कनेक्शन हुआ। अब अगर आपको यहाँ पे LED लगानी है तो कैसे लगाएंगे, ये मेन मेन है यहाँ पर, ये एनो है नॉर्मली ओपन, ठीक है, तो नॉर्मली ओपन मतलब ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। मैं देखिए इसे यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ, मैंने इसे यहाँ से जो है 5 पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 पे कर दिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ LED लगानी है, मैं चाहता हूँ एक LED LED मिल गई है, और यहाँ पर ये जो LED है ये मैं यहाँ देता हूँ, टर्मिनल्स बड़े आते हैं छोटा भी कर सकते हैं। तो अभी जो है मैंने यहाँ पर जो है वो ऐसे कर दिया है, अब
मुझे पॉजिटिव पहुंचा रहा है। तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो एनोड है, एनोड ही हमको मतलब यहाँ पे से हमको कनेक्ट करना होगा, तो मैं इसे यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो है ऐसे कर देता हूँ और ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे ये तो आ चुका है और इसे हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अब जो है हम एक रेजिस्टेंस और ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप जो है वो 220 ओम का रेजिस्टेंस ले लीजिए, कंट्रोल भी करता है, ठीक है, शायद पहले से ही कंट्रोल सी। मैं इसे देखो ऐसे ही लगा देता थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से इसे जो है कनेक्ट करता हूँ। ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसकी लीड बढ़ जाती है जब हम इसमें कनेक्शन करते हैं लीड टू लीड, तब लीड इसकी जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ये थोड़ा सा एक्शन जो है सही नहीं है, हम इसलिए इसमें क्या करते हैं, मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। ऐसे कैसे करना चाहिए हमें, लीड ही बड़ी हो जाती है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत, ठीक है, मैं से कर लूँ। तो ये सर्किट डायग्राम है, तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है हमको। तो यहाँ पे मैं इसे जो ऐसे कनेक्ट, क्योंकि सही नहीं लगता लेकिन ठीक है, हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं। वीडियो लंबा होगा पर मेरी कोशिश ये है कि थोड़ी सी इनसाइड मिले जब हम सर्किट बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा उसको जो है वो हाई स्पीड पर करके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने ये कनेक्शन कर दिया है, इसका नेगेटिव पर भी जो है हम रेजिस्टेंस लगा, तो जब भी यहाँ पे सिग्नल आएगा तो ये जो है नए रेजिस्टेंस ये सारे कनेक्शन से हमको कर दिए है। अब मेन इम्पोर्टेंट कनेक्शन है वो दो, तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि एक मिनी ब्रेडबोर्ड लगे। लेट्स सी है या नहीं, मिनी ब्रेडबोर्ड क्यों लेना है हम? मिनी ब्रेडबोर्ड हम जो है यहाँ पर वो सेंसर्स के लिए ले रहे हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए मैंने यहाँ से ये एलडीआर यहाँ से, अब पहले सबसे पहले हम यहाँ पर जो सर्किट हमने पहले पेंट में समझा था वो सर्किट यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए जो है हमें इसको कैसे बनाना चाहिए, इसको हम ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पे अगर हम एलईडी रख देते हैं, हम देखते हैं रोटेट ट्राइंग की, अगर मैं इसे ऐसा रखता हूँ तो कैसे काम होगा हमारे, तो क्या होगा, क्या हमारे लिए सही होगा। ऐसे जो है मैंने इसे रख दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ से जो है रेजिस्टेंस अभी 1K का कॉपी करता हूँ उसे 10K, ये मैंने 1K लिया है और कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे सारे जो मैंने लिख दिया है 10K, और आप देखेंगे जैसे ही मैं हिट करूँगा एंड वहाँ वैल्यू चेंज जो है वो ऑरेंज आ जाएगा, रेड से ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज आ गया है। अब मैंने यहाँ पे इसमें सिमिलरली यहाँ क्या कर रखा है, 5 वोल्ट दिया है, हाउ शुड आई गिव 5 वोल्ट। मैं यहाँ से जो है वो एक ये जो है वो यहाँ पे ले जाता, मान लीजिए मैं लगे तो जो है सप्लाई पहुंचा दो, ठीक है, ऐसे करते हैं। और यहाँ पर ये जो है उनका इसे हम ब्लैक कर सकते हैं, फिर सभी के कलर्स जो है हम चेंज कर लेंगे। मैंने अभी यहाँ पे कोशिश की, ये जो दोनों इसकी जो रिबन या यहाँ हमने सप्लाई कर, और हम ऐसा भी कर सकते हैं ऐसे कर देते हैं, वो जगह यहाँ पे सप्लाई आ गई, थोड़ा सा अच्छा ये कनेक्शन थोड़ी सी अलग नहीं होता। मैं यहाँ पे इसको 5 करता
कि हमारे पास अवेलेबल कनेक्शन देखिए हमें कहाँ करना है क्या करना है। मैं एक और ले लेता हूँ, हमको दो बनाना है और दो के अकॉर्डिंग हम कनेक्शन। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर मुझे जो है वो हाई स्पीड ताकि सर्किट थोड़ा सा जो है और अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पे दे दिया है हाई तो ये यहाँ से ही दे देते हैं। तो ये अच्छी बात है कि ये जो है वो ऐसे रख सकते हो, थिंकर्कैड में ऐसे रख नहीं सकते हो। ये हुआ और यहाँ पर इसे आप ग्राउंड कर देते हैं। थिंकर्कैड का तरीका है, मैं इसे यहाँ पर 20K कर सकता हूँ। इसका कारण ये कि मैंने सर्किट में से 20K किया था, ठीक है? तो ठीक है मैं 20K कर देता हूँ, मुझे कभी याद रहा बाद में कि मैंने क्या चेंज किया, या फिर मैं चेंज नहीं करता जो है वही रहने देता हूँ। और मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और ले सकता उसका कारण ये है कि यहाँ पर ये छोटी चीज है हमें कुछ याद रह जाए कि बहुत बार क्या होता है प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में जब आप से उस पर काम करते हो ना तो जो है मतलब एक बार प्रोजेक्ट खत्म हुआ आप वो लॉजिक भी जब वो लॉजिक लॉजिक वो मिस हो जाता है एक तरह से क्या किया था वहां पर। आपका प्रोजेक्ट का वर्क डॉक्यूमेंटेड होना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते ये ग्राउंड हो गया है यहाँ से हम यहाँ पे इसको कर देते हैं और इसको हम कर देंगे यहाँ से। बैक करने की दिक्कत ये है कि इसके अंदर तो ऐसे बहुत सारे कनेक्शन करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम। अच्छा और अभी हम यहां से जो जाएगा उसको हम ले लेंगे यहाँ पर और D3 D4 पहले से हम सही कर लेते हैं ताकि जो है वो ऐसा हो जाता है तो कंट्रोल कर आप वो थोड़ा सही दिखे। ये जो है ये ऐसे कर लेते हैं आप ये वीडियोस करीब करीब शेयर बहुत सारा टाइम का होने वाला है, इतने लंबे वीडियोस कोई देखता नहीं है। उनको मुझे पता चला वीडियो इतना बड़ा है तो नेसेसरी नीड होती है वो नीड नहीं हो पाती उससे लगता है कि बहुत सारा कि मैं खुद भी जब मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तो मैं तब ऐसे ही करता हूँ। वहाँ पर जो है एकदम छोटा वाला वीडियो देखने की कोशिश करता हूँ कि जिसको छोटे से मुझे फटाफट आंसर मिल जाए, तभी होता है तभी तभी सफल हो पाता है वो चीज़ें जब जो है आपको पहले से बहुत सारे आंसर्स पता हो तो आप जस्ट थोड़ा सा देखना चाह रहे हो। अगर आप नए हो तो जो है और आप कुछ करने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत कम है। हम दोनों के वायर के कलर को जो है अलग कर देते हैं। ये हो चुका है इनके सारे कनेक्शंस, ऑलमोस्ट सारे कनेक्शन हो चुके हैं। हम एक वॉइस फोटो देख लेते हैं कि कोई कमी तो बजर ट्रांजिस्टर यहाँ एक डायोड हम कनेक्शन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन, बस जो LEDs है वो और हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ऐसे लेके आता हूँ तो क्या कर लेता हूँ और यहाँ वाला कुछ नहीं दिख बट इन द सेंस कि जो है ऐसे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कंट्रोल सी यहाँ करते हैं।
कि जब हम बहुत पास में रख देते हैं तो लॉजिक मतलब सही नहीं होता। और यहाँ पे आप कोशिश करें कि एलयू का रेजिस्टेंस ही यूज करें, कि ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी उस पर आएगी जा रहे हैं इसके ऊपर पास में रख, वो कनेक्शन होंगे नहीं वहाँ। और यहाँ पर देखिए आप सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप अगर मुझे यहाँ पे इसको फेंक देना है तो कैसे, ये देखिए इसकी लीड मुड़ जाती है दोनों की, शायद इसका सॉल्यूशन। बट हाँ ऐसा कर सकते हैं अपन, ऐसे वायर ली वायर हो रेड कर दी, यहाँ ले जाके इस वायर यहाँ से सूट क्योंकि लास्ट तरीका था और रास्ता था। ऐसे ही हम एक और लेते हैं और उसको ब्लैक करते हैं, तो मेरे पास जो है सिर्फ और सिर्फ उठाया और एक बार लगा यहाँ पे। देखिए ये प्रॉपर एंड हो रहा है, दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों ही सही तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आप कर सकते हो ऐसा। तो मैंने ऐसे ही कुछ किया है, आप ऐसा करोगे तो आप जो है ये आपका सर्किट तो बन सकता है। और मैं यहाँ से कहते थे थोड़ा सा ऊपर ऐसा, और अभी हम जो है वो यहाँ से चलते हैं यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एलईडी की इंटेंसिटी जो है वो एस एल टी आर पर गिरती रहेगी और जो है फिर जो है यहाँ पे सारा काम चलता रहेगा। तो ये हुआ आपका पूरा सर्किट जो कि देखने में बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। और इवन जो है अगर ये बोलते भी नहीं बनाता तो थोड़ा सा फास्ट बना लेता, लेकिन तो समझाते हुए बनाने में बहुत क्रिएटिविटी और मजा भी आता है, शाम को फिर से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कोड डाल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम विजिटर काउंटर, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं इसको और विजिटर काउंटर का एनर्जी। इसमें तो शायद कुछ चेंज कर पता कहाँ पर है क्या है क्या नहीं है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है जो कि बहुत अच्छा है, तो वैसे यही सर्किट डायग्राम यूज करना चाहिए, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो वैसे सेव करें और सेव करने के बाद में मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लिया एज ए इमेज पीएनजी व्हाटएवर जिस पे भी आप चाहते हो, ऐसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद में हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए स्कीमेटिक पर चलते हैं और हम जो है अभी मैं चाहूंगा कि मैं कोई भी और काम नहीं करूँ, पर देखिए अब हम क्या करते हैं। यहाँ पर ये है हमारा ऑडियो लेयर, ये है हमारा रिले, एज पर द पिंस हम ट्राई करते हैं कि सारे कनेक्शन हम जो है कर पाए। तो हम यहाँ से चलते हैं एलसीडी LCD हमने रोटेट कर ली है और ये पिंस की कनेक्शन हमारे ऐसे हो चुके हैं। LCD को साइड में रखने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि जब मैंने इसे साइड में रखा है यहाँ पर सारे पिंस के कनेक्शन यहाँ पर ऐसे प्रॉपर होते हुए दिख रहे हैं। इवन आप देखोगे कि ये जो रजिस्टर यहाँ पे यूज है कहाँ पे लगा हुआ है, हम देखते हैं। और ये हमारा बजर है, हमने यहाँ पे सही प्लेस किया, इसलिए हम जो है ये इसमें बहुत ही अच्छा ऑप्शन भी है। मैंने ये यहाँ पे स्कीमेटिक्स जो है ना कम ही, ये जो स्कीमेटिक्स है मैं कम बनाता हूँ इन स्कीमेटिक्स,
और फिर भी आज सोसाइटी को बनाते हैं तो हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। इसे हम फिर से एक बार मूव करते हैं और देखिए आप इसे यहाँ पर ऐसे रोटेट कर लेते हैं। इसे मैंने रोटेट कर लिया, सिस्टमैटिक है कुछ नहीं है ये, पर आप देखोगे तो इसका लेआउट अभी बचा। हम बहुत अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही रख देता हूँ, क्या होगा ऐसे ही एक रेजिस्टेंस और लगाना होगा यहाँ पे हमें। इसे हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं और यहाँ लेके आ जाता है। ऐसे ही मैं इसे आर करके रोटेट कर, कंट्रोल आर करके थ्री नंबर पे हम रख देते हैं इसको। ऐसा ऊपर भी कर सकते हैं, वैल्यूज जो है इसमें वैल्यू ये वैल्यू शो डालना चाहिए। तो इन्होंने फिक्स ऑरिएंटेशन कर रखा है इसको, क्योंकि सही है। अगर मैं इस कनेक्शन को उल्टा कर देता मतलब ये वाला यहाँ, ठीक है आप इसे ऐसे ही देख लीजिए। यहाँ के कनेक्शन हमने अभी थोड़े से अरेंज कर दिए। अब हम चलते हैं रिले की ओर, और रिले हमारा जो है वो 10 पे है। देखिए मैं ये जो रिले है यहाँ लेके आता हूँ, इसको आर करके रोटेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे इसे कर दिया, वाइल्स जो है वो मैंने इस साइड में यहाँ पे कर दिया है ताकि जो है वो तो ऐसे हो सके। इट्स रियली गुड, अच्छा है ये इनका कैट। देखिए मैंने यहाँ पर ये एलडीआर तो इसका पार्ट नहीं है, एलईडी इसका पार्ट है, कंट्रोल जेड। देखिए आप इसके अंदर अगर एलईडी को अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर है, मैं इसको इसके ब्रेडबोर्ड पे चलता हूँ यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ से कनेक्टेड है इसको, तो भी सकते हैं अगर आपने उन्हें सही नहीं किया तो। देखो ये कनेक्शन ये यहाँ पे ऐसे कनेक्शन जो आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं, अगर आप उनको वहाँ पे यूज करते हो तो क्या कर सकते हो आप। अगेन सेम फॉर्मूला, ऐसा क्या ऐसा, और यहाँ कंट्रोल सेट इसको यहाँ से जोर से पकड़ा और इसको यहाँ रख, वो कनेक्ट हो गया और इसे आप कर दीजिए, ठीक है इसे आप कर दीजिए यहाँ। तो ये रेड से आप इसे ब्लैक कर दीजिए, ऑब्वियसली बात है कि ताकि आप यहाँ पाए सारी चीजें जो है वो अगर किसी वीडियो में हमें मिल जाती है तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये कनेक्शन हमने यहाँ पे कर दिया है, और कनेक्शन से जहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया है पेपर क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा सा सही मामला नहीं है। ये हो गया कनेक्शन, मैं हूँ ये कनेक्शन। यहाँ पे ऐसा आप जब इसे कनेक्शन करोगे तो आप, क्योंकि ऐसा बन जाता है पूरा, तो मतलब कनेक्टेड है। अगेन थोड़ा सा वायर लेते हैं कि ये इसके एक एंड को उठा के ये एक एंड यहाँ ये कनेक्शन हो चुका है, और हमको ऐसे ही यहाँ पर भी करना है और चेक करना है कि ये कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। इसलिए मैं ऐसे जो है वो यहाँ राइट सही आईडिया, यहाँ तक तो कनेक्शन प्रॉब्लम देख सकते हो, टेंशन प्रॉब्लम बताऊँ ट्राई कर सकते ऐसा। अब इसको हमको कनेक्ट करना है तो देखो अगेन हम इसको ऐसा रखते हैं, और यहाँ से एक वायर थोड़ा सा चल लेते हैं, इसको वापस लेके जाते हैं और यहाँ रख देते हैं। ये भी कनेक्टेड है यहाँ पे, मैं इसे
कलर पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम वायर को कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, अब जाके पूरा प्रॉपर कनेक्शन हुआ है, सेव कर लेता हूँ और स्कीमेटिक पे चलते हैं। अभी ये आपको कनेक्शन मिल रहा है, पहले आपको कनेक्शन मिल नहीं रहा था, इवन ये भी कनेक्शन आपको नहीं मिलते। तो ये हमारा आउटपुट है, विच इज द एलईडी। एलईडी को अभी हम नहीं करते हैं, यहाँ रख देते हैं ऐसे। और हम ऐसा भी कोशिश कर सकते हैं कि मैं इसे जूम करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और कंट्रोल आर करके देख लेता हूँ क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको रेजिस्टेंस भी चाहिए होगा, रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस में कनेक्टेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ जा रहा है पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे राइट होगा R3 एंड वी डिलीट इट फ्रॉम हियर कि वहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तो कभी कभी अगर जो हम ज्यादा ले लेते हैं तो माइट भी ऐसा केस हो सकता है। ये आपका बजर है, तो बजर हमको पिन बट पे कनेक्ट करना था, तो ये 2 है और करना है। और यहाँ पे ये बजर, फिर मैं इसे ऐसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे देख लो। ये हमारी एलईडीज है जो हमें एलडीआर के साथ आसपास नहीं रखनी है, ऐसे ऐसे रख लेता हूँ ऐसे। ये वाले को देखता हूँ कि मैं ये यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसको जो है हम यहाँ रख लेते हैं। इसका एलडीआर, इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा? जगह हमने 2 लगाए थे, इसे कर लेते हैं। ईगल भी मेरे हिसाब से काफी अच्छी है, डिफरेंशिएट। यहाँ पे भी है ये कनेक्शन, लेकिन गुड की ये सही होना चाहिए। ये इसका कनेक्शन नहीं है, ये यहाँ का कनेक्शन। यहाँ का कनेक्शन कैसे मैं आपको बताऊँ? ये ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रहा है, और ट्रांजिस्टर का बेस जो है हम वहां कनेक्ट करना है। तो कैसे? क्योंकि हमें जो है इसे यहाँ से उठा के लाता हूँ। ये जो दोनों एलईडीज हैं हम यहाँ से लेके जा सकते हैं, ये जो है यहाँ पर एलईडी को देखा यहाँ पर रखते हैं, ताकि जो है वो आपको यहाँ पे दिख पाए। नेगेटिव पर हमने रेजिस्टेंस लगाए थे, वहाँ ऐसे ऐसे रखे, शायद किसी एक का कनेक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये दोनों एक एक पॉइंट फूट रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा और इम्प्रूव करने की जरूरत भी है। मैं इसे यहाँ से जो है वो बाहर करता हूँ और इसे यहाँ लेके जाता हूँ। 10 पे ही आ चुका है, ठीक है, सभी सही दिख रहा है। ये हम इसे कहाँ पे ले जाएंगे ये नहीं पता है, और ये एलईडी के ये यहाँ बता रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप प्रैक्टिस किया और ये देखो है ये वाला यहाँ। फाइल पर हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसे यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं अभी से ऐसे रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और अभी हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े कनेक्शंस करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं सबसे पहले ये जो 4 वाला वायर है, या सबसे आसान तरीका कनेक्शन करने का, अभी मैं इस पर यहाँ पर क्लिक कर,
देखिए कनेक्ट हो चुका है। ऐसे बस इस पर आप ऐसे करो, ये कनेक्शन हो जाएंगे। इस पर देखिए डन। ऑटो भी कर सकते हैं हम इस पर, ऑटो करने में बहुत अंतर क्योंकि हमें स्टार्टिंग ये करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है वो कहाँ से कनेक्टेड है, जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, करेक्ट। और ये भी जो है इसका एयरलाइन जो है वो एलईडी से 5 फुट से रहेगा। स्टैक है तो हमें कनेक्शन करना आना चाहिए, फिर बाद में हम जो है वो राउटिंग का ऑप्शन कर सकते हैं। हम ऑटो राउटिंग का ऑप्शन करने भी वाले हैं। और यहाँ पे जो है वो क्लिक कर दो, ये जो है वो ग्राउंड का वायर वहां से कनेक्शन करना नहीं चाहिए। अभी तो इसमें ये वाले वायर को अगर आपको वहां लेके जाना है, क्योंकि ये ग्राउंड है, ग्राउंड जो है वो इस पाइप से कनेक्टेड है। यहाँ ऐसा ये वाले को जो है ग्राउंड पे कनेक्ट करना है तो डबल क्लिक करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन डबल क्लिक करना सीखना ही नहीं है स्टार्ट। इतना सा सर्किट अभी हमने एलसीडी का बनाया है, ये चारों पर पल्ली देती है, हमें पता है सर्किट इसमें बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या कनेक्ट कर सकते हैं, क्या कनेक्ट ये वाला थोड़ा सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले तो ऐसे कनेक्शन आप सबसे पहले कर लो, मतलब जो जो ऐसे कनेक्शन पहले कर लो आप। अगर ऐसा सर्किट बन भी गया मान लीजिए तुम गड़बड़ क्या मजा आएगा। ये कनेक्शन लाइक नहीं, इनको कर सकते हैं लेकिन आई एम नॉट ट्राइंग कि ऐसे करूं मैं। देखिए अभी हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद में हम और आउटिंग ऐसे कर लेता हूँ। आई डोंट नो ये सफल होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए मैं उसको, क्योंकि यह मैंने पिछली बार एक्सपीरियंस किया इसके अंदर कि जब मैं इसे ऑटो राउटिंग करने जाता हूँ तो ये वो आउट बंद हो जाता है। ठीक फिर भी लेट्स ट्राई। ऑटो राउट पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं अभी सेफ और सिक्योरिटी की साइड में हम क्या करते हैं इसको एक्सप्लोर कर कोशिश कर लें और इसको सेव। और अभी हम चलते हैं राउटिंग और ऑटो राउटिंग, आप देखिए कंपाइल इस सॉफ्टवेयर का ये बंद भी हो सकता है बीच 60-70%, 90%, 60-70%, एक क्लिक सर्किट कंप्लीट है ना, जो कि सही नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो
हेल्थ के बाद में, मतलब मुझे लगता है कि आप एलसीडी के कनेक्शन के बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कनेक्शन का। वाइफ ही जाना चाहिए, ऐसा कोई कनेक्शन किया ही नहीं। ये कनेक्शन है विच इज ग्राउंड, ग्राउंड ग्राउंड तो सारे कॉमन हो जाते हैं, तो क्या खास मैं ऐसे कर देता हूँ ये कंप्लीटली इसके साथ कर देता हूँ। ऐसे कैसे फिट करूँ, व्यू में जाते हैं कंट्रोल प्लस प्लस इज द प्लस प्लस एक्सपोर्ट एज इमेज पेज। जैसे फिर एग्जाम दे देते हैं तो डन, एवरीथिंग डन। ये लास्ट प्रोसेस है जो कि बस आप प्लेस कर दो और बना दो। ये तो सारे रजिस्टेंस यहीं पे आते हैं। यहाँ पर मैं करना चाहूँ तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे भी ऑटो राउटिंग कर सकते हैं, हैंग हो जाएगा और बंद हो जाएगा। सारे रेजिस्टेंस एक जगह पर बंद ही हुआ है, उसका एक कारण था कि थोड़ा सा बना दिया, ये फिर अब वो इस प्लेन पर लेके आएगी। डबल साइडेड में बना देगा ये। थैंक यू सो मच, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसको पूरा अरेंज करके बनाएंगे तो बन जाएगा।